أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين صدق الله العظيم सूरह तौबा तर्जुमा तफसीर आठवां रुकू। ज़कात तो उन्हीं लोगों के लिए है जब मुनाफिकों ने सदकात के बंटवारे में सैदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तना कसा तो अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान फरमा दिया कि सदकात के मुस्तहिक सिर्फ यही आठ किस्म के लोग हैं, इन्हीं पर सदके खर्च किए जाएंगे, इसके सिवा और कोई मुस्तहिक नहीं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदके के माल से कोई वास्ता ही नहीं। आप पर और आपकी औलाद पर सदका हराम है तो तना करने वालों को ऐतराज का क्या मौका। सदके से इस आयत में ज़कात मुराद है। ज़कात के मुस्तहिक आठ किस्म के लोग करार दिए गए हैं। इनमें से मुअल्लिफतुल कुलूब बिजमाए सहाबा साकित हो गए क्योंकि जब अल्लाह तबारक व ताला ने इस्लाम को गलबा दिया तो अब इसकी हाजत न रही। यह इजमा जमाने सिद्दीक में मुनकिद हुआ। फकीर वह है जिसके पास अदना चीज हो और जब तक उसके पास एक वक्त के लिए कुछ हो उसको सवाल हलाल नहीं। मिस्कीन वह है जिसके पास कुछ न हो वह सवाल कर सकता है। आमिलीन वो लोग हैं जिनको इमाम ने सदके वसूल करने पर रखा हो, उन्हें इमाम इतना दे जो उनके और उनके संबंधियों के लिए काफी हो, अगर आमिल गनी हो तो भी उसको लेना जायज है।
आमिल सैयद या हाशमी हो तो वह जकात में से न ले। गर्दने छुड़ाने से मुराद यह है कि जिन गुलामों को उनके मालिकों ने मकातिब कर दिया हो और एक मिकदार माल की मुकर्रर कर दी हो कि इस कदर वो अदा करें तो आजाद हैं, वो भी मुस्तहिक हैं। उनको आजाद कराने के लिए जकात का माल दिया जाए। कर्जदार जो बगैर किसी गुनाह के कर्ज में जकड़े गए हों और इतना माल न रखते हों जिससे कर्ज अदा करें, तो उन्हें कर्ज की अदायगी के लिए जकात के माल से मदद दी जाए। अल्लाह की राह में खर्च करने से बेसामान मुजाहिदों और नादार हाजियों पर खर्च करना मुराद है। इब्ने सबील से वो मुसाफिर मुराद हैं जिनके पास माल न हो। जकात देने वाले को यह भी जायज है कि वह इन तमाम किस्मों के लोगों को जकात दे, और यह भी जायज है कि इनमें से किसी एक ही किस्म को दे। जकात उन्हीं लोगों के साथ खास की गई तो उनके अलावा और दूसरे काम में खर्च न की जाएगी, न मस्जिद की तामीर में, न मुर्दे के कफन में, न उसके कर्ज की अदायगी में। जकात बनी हाशिम को और गनी और उनके गुलामों को न दी जाए, और न आदमी अपनी बीबी और औलाद और गुलामों को दे। तफसीर अहमदी व मदारिक। मोहताज और निरे नादार और जो उसे तहसील ग्रहण करके लाएं और जिनके दिलों को इस्लाम से उल्फत दी जाए, और गर्दने छुड़ाने में और कर्जदारों को और अल्लाह की राह में और मुसाफिर को, यह ठहराया हुआ है अल्लाह का, और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। और उनमें कोई वो है कि उन गैब की खबरें देने वाले को सताते हैं, यानी सैदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मुनाफिक लोग अपने जलसों में सैदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बुरी बुरी बातें बका करते थे। उनमें से कुछ ने कहा कि अगर हुजूर को खबर हो गई तो हमारे हक में अच्छा न होगा। जुलास बिन सुवैद मुनाफिक ने कहा, हम जो चाहे कहें हुजूर के सामने मुकर जाएंगे और कसम खा लेंगे। वह तो कान है, उनसे जो कह दिया जाए सुनकर मान लेते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी और यह फरमाया कि अगर वह सुनने वाले भी हैं तो खैर और सलाह के, यानी अच्छी बातों के सुनने और मानने वाले हैं, शर और फसाद के नहीं। और कहते हैं, वो तो कान हैं, तुम फरमाओ, तुम्हारे भले के लिए कान हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं और मुसलमानों की बात पर यकीन करते हैं, न मुनाफिकों की बात पर। और जो तुम में मुसलमान हैं उनके वास्ते रहमत हैं, और जो रसूलुल्लाह को ईजा देते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तुम्हारे सामने अल्लाह की कसम खाते हैं मुनाफिक इसलिए कि तुम्हें राजी कर लें। मुनाफिक अपनी बैठकों में सैदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा करते थे, और मुसलमानों के पास आकर उससे मुकर जाते थे और कसमें खा खा कर अपनी सफाई और बेगुनाही साबित करते थे। इस पर यह आयत उतरी और फरमाया गया कि मुसलमानों को राजी करने के लिए कसमें खाने से ज्यादा अहम अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना था। अगर ईमान रखते थे तो ऐसी हरकतें क्योंकि जो खुदा और रसूल की नाराजगी का कारण हो, और अल्लाह व रसूल का हक ज्यादा था कि उसे राजी करते अगर ईमान रखते थे। क्या उन्हें खबर नहीं कि जो खिलाफ करे अल्लाह और उसके रसूल का तो उसके लिए जहन्नम की आग है कि हमेशा उसमें रहेगा, यही बड़ी रुसवाई है। मुनाफिक डरते हैं कि इन मुसलमानों पर कोई सूरत ऐसी उतरे जो मुनाफिकों उनके दिलों की छुपी चीज उनकी दोहरी प्रवृत्ति है, और वह दुश्मनी जो वो मुसलमानों के साथ रखते थे और उसको छुपाया करते थे। सैदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमत्कार देखने और आपकी गैबी खबरें सुनने और उनको पूरा होते देखने के बाद मुनाफिकों को डर हुआ कि कहीं अल्लाह ताला कोई ऐसी सूरत नाजिल न फरमाए जिससे उनकी पोल खुल जाए और उनकी रुसवाई हो। इस आयत में इसका बयान है, जता दे तुम फरमाओ हसीन जाओ, अल्लाह को जरूर जाहिर करना है जिसका तुम्हें डर है। और ए महबूब, अगर तुम उनसे पूछो तो कहेंगे कि हम तो यूं ही हंसी खेल में थे। गजवाए तबूक में जाते हुए मुनाफिकों के तीन नफरों में से दो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हंसी से कहते थे कि उनका ख्याल है कि रूम पर गालिब आ जाएंगे। कितना दूर का ख्याल है। और एक नफर बोलता तो न था मगर इन बातों को सुनकर हंसता था। हुजूर ने उनको तलब फरमाकर इरशाद फरमाया कि तुम ऐसा ऐसा कह रहे थे। उन्होंने कहा, हम रास्ता काटने के लिए हंसी खेल के तौर पर दिल लगी की बातें कर रहे थे।
इस पर यह आयत उतरी और उनका यह बहाना कबूल न किया गया और उनके लिए फरमाया गया जो आगे इरशाद होता है। तुम फरमाओ, क्या अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल से हंसते हो? बहाने न बनाओ तुम काफिर हो चुके मुसलमान होकर। इस आयत से साबित होता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और अपमान कुफ्र है। जिस तरह भी हो उसमें बहाना कबूल नहीं। अगर हम तुम में से किसी को माफ करें उसके तौबा कर लेने और सच्चे दिल से ईमान लाने से। मोहम्मद बिन इसहाक का कौल है कि इससे वही शख्स मुराद है जो हंसता था मगर उसने अपनी जबान से कोई गुस्ताखी की बात न कही थी। जब यह आयत उतरी तो उसने तौबा की और सच्चे दिल से ईमान लाया और उसने दुआ की कि या रब मुझे अपनी राह में ऐसी मौत दे कि कोई यह कहने वाला न हो कि मैंने गुस्ल दिया, मैंने कफन दिया, मैंने दफन किया। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि वह जंगे यमामा में शहीद हुए और उनका पता ही न चला। उनका नाम यहिया बिन हमीर अशजई था और चूंकि उन्होंने हुजूर को बुरा कहने से जबान रोकी थी इसलिए उन्हें तौबा और ईमान की तौफीक मिली। तो औरों को अजाब देंगे इसलिए कि वो मुजरिम थे और अपने जुर्म पर कायम रहे और तौबा न की। अल्लाह अज्जवजल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और क्या पता यही आपके और मेरे हम सभी के बख्शिश का जरिया बन जाए। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।